वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पांडा। पिला माने आज हम डिस्कस करिवा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी जोड़ा कि तुमको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन भी तुम बोर्ड एग्जाम रे देखिबो। से क्वेश्चन को मोस्ट निश्चिंत तुम से क्वेश्चन निश्चिंत पाइबो, गोटे क्वेश्चन सियोर पाइबो तुम। बीपीटी बोली गोटे थ्योरी अच्छी, थ्योरी विषय आज हम जानिबा। ता पूर्व रे हम ओनर्स कर जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़थिले ताकर कौन लिमिटेशन रहला, जे कि गोटे ताकर ड्रॉबैक्स रहला सेटा जानिबा। ता पूर्व तुमको गोटे छोट रिक्वेस्ट, जो मैंने एपर्त चैनल को सब्सक्राइब करन से मैंने प्लीज सब्सक्राइब कर, पाखे बेल आइकन को प्रेस कर जहाँकि अपडेट होता वीडियो फास्ट पाइपर, लाइक कर आउ जो मैंने नीडी स्टूडेंट रही मोर टू मोर सेयार कर। ठीक अच्छे पिला मैंने आज आम आरंभ करवा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तेल वर्नर्स जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी देखे, देख मन रख एपेक्षा जहाँ पढ़ा पाठ कम पढ़ा मजा अधिक कर खेल खेल मजार मजार पढ़ा। मन रख वर्नर जो साइंटिस्ट थे, देख जो हाथी गला बेल कूकर भूके सेमती गोटे थीओरी लिमिटेसन आसो मैंने आउ गोटे थीओरी आसो निश्चिंत गोटे थीओरी नुआ थीओरी प्रपोज होर ड्रबैक्स आसो। जदि वर्नर्स टी आम मान क्या चिंता करते टे से माइंड लगे पढ़ी था तेरे आज आमको यह अवस्था देखा पड़ ना आमको दसटा थीओरी पढ़ाक पड़ ना था कहीं जी थीओरी का ठीक से दे था तेरे आमको नेक्स्ट थीओरी बीबीटी को जीवाक पड़ ना। ठीक अच्छे जहाँ भी हूँ आमको तो पढ़ा पड़ो, आम पढ़ा ड्रबैक्स अफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन वर्नर जो थीओरी दे भूल कौन रहा। जदि भूल नगको तो थीओरी आसवनी ना, भूल रही बोली थीओरी आ। ठीक अच्छे देख फर्स्ट पॉइंट वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थीओरी गोटे क्वेश्चन भी बेले बेले आसे। फर्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कोड़ी ओरनस कौन करते ना से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो कि ज्योमेट्री हो ये सब बुझे पार थ्योरी बुझे पार नी जोटा कि गोटे लिमिटेसन हो फर्स्ट लिमिटेसन सर से कौन बुझे ना ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट वर्नर हाज नो जस्टिफिकेशन फॉर हिज प्रपोज थ्योरी, निज थ्योरी किसी जस्टिफिकेशन नाला। इट इज बिकज कहीं द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी व्हिच फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। सी जो थ्योरी देते से मैंने जीक आम बॉन्डिंग रहा सब बॉन्डिंग आसी नाला सेटा कि कौन है थ्योरी किसी जस्टिफिकेशन नाला। नेक्स्ट He cannot explain why certain element form coordination complex. से कही पार ना कि मैंने किसीटा पर्टिकुला जो मैंने रे कम्प्लेक्स कहीं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स आउ बाकी जो मैंने रे कहीं करें से पाखे कहते हैं एवं तर मैंने पे जान लो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी लिमिटेशन एवं नेक्स्ट पढ़ा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। पे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी गोटे क्वेश्चन तुम सियोर पाइब बोर्ड एग्जाम गोटे क्वेश्चन सियोर पाइब जोटा कि हे तो तुम थ्योरी आसे ना तुमको तर क्वेश्चन देश्चिन्स थ्योरी हे तो बहुत कम आसे प्रपोज जो पॉस्टुलेट्स बहुत कम आसे कि गोटे क्वेश्चन सियोर आसे। ठीक अच्छे एवं आम देखा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एवं आम स्टार्ट करवा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तेरे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ये जो थ्योरीटा आसला फास्ट पिला मैंने मन रख वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन थ्योरी रे फर्स्ट वर्नर बोले जो साइंटिस्ट थे सी गोटे थ्योरी देखे वर्नर का थ्योरी पर नेक्स्ट आसला किए ना वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पर पूर्व भी थे तुम फर्स्ट ईयर पढ़च मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जहाँ को तुम एमओटी कौन एमओटी पढ़च ए पढ़ा आम पढ़ा वीबीटी वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कौन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है पाउली कौन करते ना जो साइंटिस्ट थे पाउली से जो सिरजुइन का जो थ्योरी थी सिरजुइन का थ्योरी जोड़ा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो थ्योरी थी सिरजुइन का ताको मॉडिफाई करते पाउली मॉडिफाइड द सिरजुइन थ्योरी बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो थी नहीं कि पाउली मॉडिफाई करके वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी देते वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है कौन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है देख पे फर्स्ट मन रख वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी
ये obviously बहुत कम प्रायः तो postulates पढ़े most probable इटा वाले question पढ़े वाला 2 months हो 3 months हो question पढ़े theory बहुत कम आसे कभे कभे दे दे डाइट द postulates ऑफ बीबीटी किंतु बहुत कम आसे तथापि फिर भी हमें बैलेंस बोर्ड थ्योरी को पूरा भलसे बुझीबा तापर हमें क्वेश्चंस को जीबा केमके क्वेश्चन मोर टू मोर क्वेश्चन कर पर मोर सेटा फोकस रे ठीक है जी फर्स्ट पॉइंट हैला द मेटल एटम मेक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर तर जो मेटल एटम रहला से कोन करबो ना अवेलेबल करबो केती की नंबर ऑफ ऑर्बिटल को अवेलेबल करबो ना जति की तार कोऑर्डिनेशन नंबर थिबो तार जति की कोऑर्डिनेशन नंबर थिबो से सेती की ऑर्बिटल को अवेलेबल करबो बुझी पाला फर्स्ट पॉइंट समस्त ताले आउडे को पॉइंट हला हाइब्रिडाइजेशन कोठी कोठी हबो हाइब्रिडाइजेशन हबो पिला माने मन रखो एस रे हबो पी रे हबो आ डी रे हबो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ताले वीबीटी कहला द मेटल आयन यूजेस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड ताले वीबीटी कहला कि फर्स्ट पॉइंट हला जो अमर जो कोऑर्डिनेशन नंबर जति कि रहला सेति किटा ऑर्बिटल अवेलेबल हो दरकार सेंटर मेटल एटम अवेलेबल करबो दरकार नेक्स्ट हला जो हाइब्रिडाइजेशन हबो हाइब्रिडाइजेशन ता कोठी हबो ना एस रे हबो पी रे हबो आ डी रे हबो ताले एस आ पी रे डी रे हबो माने पिला माने मोइटा टिके फर्स्ट गोटे गोटे पॉइंट मु बुझाइबी फर्स्ट पॉइंट ता लिखौ छी पिला माने देखो जो हाइब्रिडाइजेशन हबो एस आ पी आ डी सेटा पिला माने मन रखो एन माइनस एन माइनस वन डी रे हबो एन माइनस वन डी रे हबो आउ कोठी हबो एन एस रे हबो एन पी रे हबो एन डी रे हबो मन रखो एही चारटा रे ही हाइब्रिडाइजेशन हबो एन माइनस वन डी एन एस एन पी एन डी ताले एन हला सपोज एन होची मोर 4 सपोज एन इक्वल्स टू 4 एन यदि 4 हला ताले एन माइनस 1 डी ताले केते हबो 4 माइनस 1 दैट इज 3 डी हबो बुझी पाललो आउ कोठी हबो एन एस एन एस माने 4 एस आउ कोठी हबो एन पी 4 पी एल डी 4 डी ताले एबे पिले माने तमे जानिलो जे हाइब्रिडाइजेशन को कोठी हबो एन माइनस वन डी दैट इज तुम्हारे थ्री डी ए कर एन माइनस सॉरी एन एस हम एन एस मैंने फोर एस हम एन पी फोर पी एन डी ये सब हो पार हाइब्रिडाइजेशन तेल एवं पे मैंने भलसे बुझ थ्योरी को थ्योरी बुझे तुमको इजी हम करने सल्व करने क्वेश्चन को तेरे फर्स्ट पॉइंट मन रख लुमें दुटा पॉइंट मन रख ल फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबल से ऑर्बिटल अवेलेबल कर सेंट्रल मेटल एटम नेक्स्ट पॉइंट है जो हाइब्रिडाइजेशन हम एस रे हम पी रे हम डी रे एस रे भी कौ एस रे हम ना फोर एस रे हम एन माइनस वन डी रे एन एस रे हम एन पी रे हम एन डी रे हम तेल एवं बुझ पार एस थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट है द लिगेंड्स हैव एटलीस्ट ए सिग्मा ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जान तो जो लिगेंड्स टा हम ता पाखरे गोटे सिग्मा ऑर्बिटल्स थी दरकार आउ कौन थी जोटा कि गोटे कंटेन कर कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन मानते जो लिगेंड्स टा बुझी पाल समस्ते नेक्स्ट आस फोर्थ पॉइंट द हाइब्रिडाइज्ड मेटल ऑर्बिटल ओवरलैप विथ द लिगेंड ऑर्बिटल मन रख हाइब्रिडाइज्ड मेटल ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड हम जो मेटल ऑर्बिटल टा यदि ओवरलैप विथ द लिगेंड ऑर्बिटल तो लिगेंड रहला ता सो जदि ओवरलैप हला टू फॉर्म गोटे कौन फॉर्म करबो ना गोटे टू फॉर्म ए स्ट्रांग बॉन्ड ताले स्ट्रांग बॉन्ड केतरा फॉर्म होबो हाइब्रिडाइज मेटल ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ द लिगेंड लिगेंड ऑर्बिटल से तो जदि ओवरलैप होबो ताले तमे सेठी कौन फॉर्म करबो सेठी फॉर्म होबो स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म हो दैट इज देखो लिगेंड्स टू मेटल टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड ताले मने रख पिला माने एरा होची मोस्ट इंपोर्टेंट जेते अधिक ग्रेटर एक्सटेंड द ओवरलैपिंग जेते अधिक ओवरलैपिंग हो
सेते अधिक स्टेबिलिटी आसीबो कॉम्प्लेक्स रो मन रखिलो जेते अधिक ओवरलैपिंग होबो सेते अधिक स्टेबिलिटी आसीबो कॉम्प्लेक्स रो स्टेबिलिटी सेते अधिक आसीबो देखो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स समस्त बुझी पाइलो चारटा जाक पॉइंट बुझी पारला परे एबे आमे थ्योरी आउ गोटे पॉइंट मु तुमको कहूँ जोटा कि लिखा है नेक्स्ट पॉइंट तुमको कहूँ भिपिटी आमको फर्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट भी बाहर करने को पड़ब कौन बाहर करने पड़ब ना मैग्नेटिक मूवमेंट भी बाहर करने पड़ब ताले जो मैग्नेटिक मूवमेंट रो गोटे फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू म्यू को कहते मैग्नेटिक मूवमेंट एन होल इनटू एन प्लस टू रूट ओवर बीएम यूनिट है बीएम बीएम हूँ बोर मैग्नेटम बोर मैग्नेटम ताले म्यू रो फॉर्मूला कहते हैं एन होल इनटू एन प्लस टू रूट ओवर बीएम हो यार एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ताले अमे क्वेश्चन नो हाइब्रिडाइजेशन बाहर कर पाए मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर कर पाए मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर कर जाएगा हमको कौन दरकार है ना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दरकार तब माने हमको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब बाहर कर पाए हमें म्यू बाहर कर पाए बुझी पाल एबे आस आउ गोटे जिनस जानवा स्पिन मल्टीप्लीसीटी भी बाहर कर पार आउ बाहर कर पार स्पिन मल्टीप्लीसीटी ताले आउ कौन बाहर कर पार स्पिन स्पिन मल्टीप्लीसीटी रो फॉर्मूला हला 2s प्लस 1 ताले 2s प्लस होची स्पिन मल्टीप्लीसीटी ताले s हला देखो स्पिन देखो सपोज गुटे सपोज एटी पी रे सपोज मोटे पी ऑर्बिटल रे पी रे दीटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रे सपोज दीटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रे ताले मु कहि पारे बे एंकर स्पिन केते हो गुटे रो स्पिन हला प्लस अप आ गुटे रो भी प्लस अप ताले ए जो एस अछि मु लेखि पारे बे 2 इनटू हाफ प्लस हाफ प्लस 1 एटा हबो 2s एस रो स्पिन स्पिन होची प्लस अप प्लस अप ताले केते हला 2 इनटू एटा हबो 1 1 इक्वल्स टू 3 बुझि पाल समस्ते हाफ हाफ ताले ये गला स्पिन ये गला तमर केते 3 ताले एमते हमें स्पिन मिलार कर परबा नेक्स्ट हला हमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी बाहर कर पाएगा बा नेचर तुम तो कौन कहो मैग्नेटिक बिहेवियर बाय नेचर मैग्नेटिक बिहेवियर कौन मैग्नेटिक बिहेवियर हमर आसीबो पारामैग्नेटिक आउ गोटे आसीबो डायामैग्नेटिक ताले पारामैग्नेटिक कौन डायामैग्नेटिक कौन देखो सबु खेल एटी का परे ना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन परे तुम्हें जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन कर पाइल ताले तुम्हें सब कर पार कि पसिबल इम्पॉसिबल नो देखो पारामैग्नेटिक पारामैग्नेटिक माने जदि इफ नंबर ऑफ इफ इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थी जदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थी ताको हमें कहवा दैट कॉम्प्लेक्स इज पारामैग्नेटिक जदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन नथिबो बा जति कि हमर सपोज हमर एस रे दीटा इलेक्ट्रॉन रहिया ए पेयर आको मो कहबी डायामैग्नेटिक माने पेयर इलेक्ट्रॉन जथिबो बा नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थिले ताको कहबा डायामैग्नेटिक पेयर इलेक्ट्रॉन जदि थिबो सेटा कोन कहबो डायामैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन थिले तमे तो कहबो पारामैग्नेटिक
তাহলে এতেকি তুমি বুঝিল এবে আমি নেক্সট এটা ভিপিটি র পুরা হয়তো মোস্ট প্রবাবলি থিওরি যেতেকি তলা মু তোমাকে বুঝে দেখো পিলা মানে আমি কোশ্চেনস করিয়া পড়ব মু তো গড়া বেসিক ইনফরমেশন তোমাকে দউছি দেখো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার যার 4 হইতো তার হাইব্রিডাইজেশন কোন হবো না sp3 হবো আর তার ডিস্ট্রিবিউশন অফ হাইব্রিড অরবিটালস ইন স্পেস তাম কোন গলা জিওমেট্রি কোন হবো তা জিওমেট্রি হবো টেট্রাহেড্রাল মনে রাখো এটা পিলা মানে যার কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 4 হইতো তার হাইব্রিডাইজেশন যদি sp3 হলা তাহলে কইবা টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রি হবো যদি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 4 হইতো তার dsp2 dsp2 হলা যদি হাইব্রিডাইজেশন dsp2 হলা তাকো আমি কইবা স্কয়ার প্ল্যানার যদি সেল কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 4 হইতো যদি sp2 d দেখো পিলা মানে দুইটা কইছি dsp2 dsp2 d বিটা কো অলগা অলগা জিনিস যদি আবো আকু বি আকু জিওমেট্রি হবো স্কয়ার প্ল্যানার জিওমেট্রি হবো যদি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 5 হলা যদি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 5 হবো তবে sp3 d হলা তবে তক তা না হবো ট্রাইকোনাল বাই পিরামিডাল মনে রাখো ট্রাইকোনাল বাই পিরামিডাল যদি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 থিবো আউ হাইব্রিডাইজেশন হবো sp3 d2 তাকে কইবা অক্টাহেড্রাল জিওমেট্রি হবো অক্টাহেড্রাল যদি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 থিবো হাইব্রিডাইজেশন হবো d2 sp3 তাকে কই কইবা অক্টাহেড্রাল ঠিক আছে এবে আমি কোশ্চেনস দেখিবা এবে দেখো পিলা মানে ফার্স্ট অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স আমি ওটা অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স মোডে নেলি তার মতে কোয়া যাইছি মনে রাখো ভিপিটি কোশ্চেন থিবো মানে তোমাকে কোন কোন করিবার হবো মু লেখুছি ফার্স্ট মনে রাখো তোমাকে হাইব্রিডাইজেশন ফার্স্ট মনে রাখো হাইব্রিডাইজেশন বাহার করিব নেক্সট হাইব্রিডাইজেশন পরে তার জিওমেট্রি জিওমেট্রি পরে ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট তারপরে স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি নেক্সট স্পিন বা কমপ্লেক্সটা হাই না লো স্পিন নেক্সট ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট গলা ম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার নেক্সট কমপ্লেক্স আউটার অর ইনার পিলা মানে মনে রাখো গোটে কোশ্চেনস র সাপোজ এ কোশ্চেনস দেয়া যাইছে কোশ্চেনস র মতে পচারিছি খালি হাইব্রিডাইজেশন মতে সব জায়গা যদি মু করিবি তাহলে বহুত বেটার যদি কোশ্চেন হাইব্রিডাইজেশন পচারতিব তাহলে তুমি গোটে বি করি পারো কিছু অসুবিধা নাই কিন্তু বহুত ইজি দেখো কিছু এ গোটে বাহারি গলা পরে এরা কিছু করিবার নাই তো মু দেখি কি কইবার আছে কোন হবো দেখো কেমতি হবো মু ফার্স্ট গোটে তোমাকে করিবি দেখাউছি দেখো ফার্স্ট দেখো পিলা মানে CO NH3 হোল 6 3 প্লাস এই তুমি জানো যে দেয়ার ইজ 6 লিগ্যান্ড সো ইট ইজ অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স তাহলে অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স যদি হেলা হাইব্রিডাইজেশন কোন হবো কেমতি হাইব্রিডাইজেশন বাহারে পিলা মানে জানি পারন্তি নি এবে ভালসে শিখ হাইব্রিডাইজেশন কেমতি বাহারে পুরা ইজি মেথড রে মু গড ট্রিক্স রে বি কইবি পুরা ইজি মেথড রে কইবি ফার্স্ট পিলা মানে সেন্ট্রাল মেটাল অ্যাটম কো চিহ্ন সেন্ট্রাল মেটাল অ্যাটম কি আছে কোবাল্ট আছে আগ লেখা কোবাল্ট কোবাল্ট লেখিলা পরে তোমাকে যে ফার্স্ট ক্লাস রু তোমাকে কইতিলি ট্যাক্স দেইতিলি অ্যাটমিক নাম্বার 30 যায় তোমাকে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আর অক্সিডেশন নাম্বার লং করে আনছিলা এবে সেটা ক্যামেরা আসিব কোবাল্ট র অ্যাটমিক নাম্বার কত 27 মনে রাখো কোবাল্ট র অ্যাটমিক নাম্বার হলো 27 যদি 27 হলো তার কনফিগারেশন লেখ ফার্স্ট কনফিগারেশন কোন হবো মু আর্গন 2 লিখুছি আর্গন 18 দেখো আর্গন 18 আর্গন 18 পরে 3d 4s 2 3d 7 দেখো 18 টু 20 3d 7 হলো জানলো এটি দেখো 4p 0 জানা 4p হচ্ছে 0 4d বি 0 থিব তাহলে এবে পিলা মানে মোটে কে এটা এ সাইডটা তুমি বলি ইরেজ করছি এটা কেন স্পেস হবে
देखो आर्गन 18 तबरे 3D7 4H2 4P0 4D0 ताले जो है एटा ला कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन कोबाल्ट रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नेक्स्ट आसो फर्स्ट स्टेप मन रखिलो तो कोन करिबो क्वेश्चन से जहां भी क्वेश्चन थेवा वीवीटी बेस्ड करिकी फर्स्ट कोबाल्ट रो सेंटर मेटल तमरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख नेक्स्ट आस नेक्स्ट कोन करिबो कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन नंबर मार करिबो लेखो कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कर ताले कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन नंबर केते होबो देखो कोबाल्ट वाला x अमोनिया होची न्यूट्रल लिगेंड दैट इज 0 इक्वल्स टू टोटल चार्ज केता छी 3 प्लस 3 छी बुझि पालो ताले कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन नंबर हला केते कोबाल्ट इट इज CO 3 प्लस स्टेट रे अछि समस्ते बुझि पालिलो नेक्स्ट आसो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप बुझि थर्ड स्टेप होची कोबाल्ट 3 प्लस रो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिया पड़ो ताले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जते पहले लिखिबो कोन हबो देखो कोबाल्ट 3 प्लस प्लस माने देई देई छि तीनटा इलेक्ट्रॉन ताले तार केत्ता पाखरे केत्ता इलेक्ट्रॉन अछि एक्चुअल कोबाल्ट पाखरे 27 टा इलेक्ट्रॉन से तीनटा देई दे ताले मु 24 रो कॉन्फिगरेशन लिखिबी बुझि पाला ना बुझि पाइलो नै नेक्स्ट केंद्र लिखी थी आर्गन आर्गन 18 आर्गन 18 लिखी नेक्स्ट देखो जो 18 देखो 3D तापर फोरेस जो इलेक्ट्रॉन जीवो इलेक्ट्रॉन टा कौन जीवो सब बोले हाईएस्ट रू जीवो तले आगो फोरेस रू जीवो तापर 3D जीवो तले आगो फोरेस रू दीटा इलेक्ट्रॉन गला नेक्स्ट कर जीवो गोटे 3D तले टोटल 3टा इलेक्ट्रॉन जीवो गोटे फोरेस रू गला ताले 3D मोर केते हला 3D हला 6 4S केते 0 4P 0 4D 0 ताले एति की समस्त बुझि परिलो केमती हला देखो ता परे अस मु 3D 6 जोडाच 3D 6 माने देखो मु डी ऑर्बिटल को ड्रा कर छी 1 2 3 4 5 डी ड्रा कर 3D जोड़ा की तमरा 3D नेक्स्ट हो छी 4S 4P एडा देखो डी रे केते टा इलेक्ट्रॉन अछि 6 टा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट थर्ड सेकंड केस बुझि पालो थर्ड केस हला कोनो कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिलो नेक्स्ट होची फिल अप करियो डी रे केतका इलेक्ट्रॉन 6 टा 1 2 3 4 5 6 बुझि पाललो 6 टा इलेक्ट्रॉन को फिल करलो एबे तमे कहार लिखिलो ओनली देखो ए जो जिंसटा रहिला कोबाल्ट रो लिखि देलो कॉन्फिगरेशन एबे तमे पाख को के आसीबो ना टोटल कॉम्प्लेक्स रो तमको लिखिबा को पड़िबो देखो CO NH3 होल 6 रख लिखिबो 3 प्लस लेकिन एडा लिखिबो तो एडा तुमको कॉन्फिगरेशन लिखिबार अछि हाइब्रिडाइजेशन करिया अछि तले आर आमे केमिति कर पिला माने एटी वीपीडी रो वीपी के कहिलानी कि देखो ए जो अमोनिया जो लिगेंड ता रहला अमोनिया ता स्ट्रांग कि वीक कि एवरेज सेटा वीपीडी कोइ परिला नै वीपीटी कोन कला ना ताकु लागिला कि ताकु जहा लागिला से सेटा फिल ताकु से कहिला अमोनिया होची गोटे एबोरी लिगन अमोनिया सबसे कहिला कि अमोनिया गोटे एबोरी लिगन थिबो जे कि पेयरिंग करै दबो कोन करिवो पेयरिंग करै दबो एते जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहउ छंती अमोनिया ताको पेयरिंग करै दबो काहे कि ना अमोनिया पाखरे कि सत्य कि कैपा अमोनिया सत्य की कैपेबल अछि कि से कोन कर परबो पेयरिंग कर परबो त अमोनिया होची अमोनिया को अंडरटेकर कह परे अमोनिया हला अंडरटेकर अंडरटेकर रो काम हला कोन से पेयरिंग करि परबो त अमोनिया हला केतेटा अछि 6टा अछि
ताहले जो अमोनिया छोड़ा तमे बीबीटी रा फर्स्ट पॉइंट कोन पड़थिलो सेति किटा आभे लिगान जति कि थिबो बा कोऑर्डिनेशन नंबर जति कि थिबो ताकु सेति किटा अवेलेबल ऑर्बिटल दरकार देखो कि अवेलेबल ऑर्बिटल नहीं नहीं अमोनिया कोन करबो ना फर्स्ट पेयरिंग करबो खाली जानो फर्स्ट जानो जे ड्यू टू तमे किछि लिखिबो नहीं लिखिबो ओनली बीबीटी रे लिखिबो कि ड्यू टू अमोनिया पेयरिंग टेक्स प्लेस एतिके लिखिबो बुझि पालिलो ना नै तले अमोनिया कोन करबो ना अमोनिया ला अंडरटेकर जे कि कोन करियो पेयरिंग करै परियो देखो डी रे कतटा इलेक्ट्रॉन थिला 4s वैकेंट थिला 4p बी वैकेंट थिला तले जो डी रे 6टा इलेक्ट्रॉन थिला ताको अमोनिया कोन करबो पेयरिंग करै दबो जदि अमोनिया पेयरिंग करै दबो ए इलेक्ट्रॉन आसीबो एठी की ये इलेक्ट्रॉन एठी की पेयरिंग है जो ताले देखो 1 2 1 2 1 2 टोटल 6टा इलेक्ट्रॉन रह गेला बाकी केतेटा प्लेस अवेलेबल होला देखो 1 2 3 4 5 6 जदि 6टा प्लेस अवेलेबल होला तमरो केतेटा लिगैंड अछि अमोनिया केतेटा अछि 6टा अछि तले एठी के जेबो अमोनिया जीव किए जीव अटी की अमोनिया एटी की अमोनिया 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 ताले एते मते को देखो अमोनिया जो गोला केतेटा प्लेस रे अमोनिया रहला देखो ए डी रो जो 3d दिला 3d रो केतेटा प्लेस को अमोनिया जाईची देखो 1 2 ताले अमोनिया गला डी रो 2 को जाछि दीटा डी को से ऑक्युपाई करिछ केतेटा एस को ऑक्युपाई करिछ गोटे एस को ऑक्युपाई करिछ केतेटा पी को जाछि तीनटा पी को जाछि बुझि पाइला ना बुझि पाइला नि आउ थरे कहउछि अमोनियम खाली जानो कि काहि कि जाउछि काहि कि क्वेश्चन यदि कहबो मो पाखरे भी रीजन नाइ अमोनिया काहि कि पेयरिंग करि परबो कारण बीपीटी ही सेटा दे नथिला थ्योरी जोटा कि तार ओटा नेक्स्ट आगो बा पडबा सेटा ही तार लिमिटेशन हिजो पुनी ताले बीपीटी कहितला कि अमोनिया पेयरिंग करि परबो एतिक कहितला आ किछ कहि नथिला के करि परबो नि के करि परबो सेटा बीपीटी कहितला ओनली तार थ्योरी रे देथिला ताले एबे देखो जेतु अमोनिया आसीला पेयरिंग करै देला पेयरिंग करला पर केतेटा अवेलेबल फ्री स्पेस रहला 6टा अमोनिया 6टा छोटा मने इजीली गला तले को कोठी की जाई छे मने डीटा डी को जाई छी गोटे एस को जाई छी तीनटा पी को जाई छी तले डी2 आर हाइब्रिडाइजेशन हैला आर हाइब्रिडाइजेशन कोन हैला डी2 एसपी3 समस्त जानि पइलो हाइब्रिडाइजेशन कोन हैला डी2 एसपी3 तले पिला मने यदि d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो ताले ज्योमेट्री कोण हो मु तुमको जो टेबल ले कहि थी d2sp3 हेले एटा कहिबा कोण ऑक्टाहेड्रल एटा कहिबा ऑक्टाहेड्रल ताले पिला माने मु टिके ऊपर इरेज करू छी तनो मोर जेतु स्पेस कम अछि देखो तले आकु कहला हमें ऑक्टाहेड्रल तले फर्स्ट फर्स्ट तमे जानलो हाइब्रिडाइजेशन जानलो कोन होला d2sp3 जोटा केला ऑक्टाहेड्रल जानलो ज्योमेट्री भी जानि गेलो ज्योमेट्री कोन ऑक्टाहेड्रल नेक्स्ट आसो आगो तापर तमे कैलकुलेशन करो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन केतेटा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एटी अछि देखो देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अछि कि सब त पेयर हे गेला नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ताले नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 ताले तारो म्यू बे मैग्नेटिक मोमेंट केता हो मैग्नेटिक मोमेंट रो फार्मूला कोन म्यू इक्वल्स टू एन होल इनटू एन प्लस 2 रो रूट ऑफ एन आउछ 0 0 प्लस 0 ताले केता ला 0 मैग्नेटिक मोमेंट 0 0 बी बुझि पाल नेक्स्ट आसो स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी
स्पिन मल्टीप्लिसिटी एसएम लिखु छी स्पिन मल्टीप्लिसिटी रा फार्मूला कोन 2s + 1 एटी एस एस माने स्पिन देखो सब जगह तो एटी प्लस अप माइनस अप प्लस अप माइनस अप प्लस अप माइनस जीरो ये जे कैंसिल ये जे तले आउ तो नहीं एस नहीं एस जीरो एस इक्वल्स टू एस तले 2 × 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 तले स्पिन कत होला स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 तले मु कहि भी एस कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक बिहेवियर कोड बाय सेटा को तमे कहबो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ना डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स देखो पिला माने जदी मु तुमको कहितली जदी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थिबो ताले सेटा हबो पैरामैग्नेटिक जदी सब पेयर हे जाइथिबे ताले सेटा हबो डायमैग्नेटिक देखो एठी देखो समस्त पेयर हे जाइछन्ती किछि भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नाही एटा को मु कोन कहि ए कॉम्प्लेक्स हला डाया डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट आसो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन और लो स्पिन देखो जदी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन थिबो ताले से हो हाई स्पिन काई के हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थिल जदी अनपेयर इलेक्ट्रॉन थिबो देखो ये तो प्लस अप सपोज एदी गोटे प्लस अप रहला गोटे गोटे रहला जोटा की गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रहला जोटा की अनपेयर इलेक्ट्रॉन ताले ये तो सब कैंसिल हो जे एती गोटे ए प्लस अप ताले ये होची अधिक जदी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहिबे से कॉम्प्लेक्स हबो हाई स्पिन एटी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अछंती ना तले ये कॉम्प्लेक्स हबो लो स्पिन तले हाइब्रिडाइजेशन जानलो ज्योमेट्री जानलो मैग्नेटिक मूवमेंट जानलो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जानलो मैग्नेटिक बिहेवियर जानलो लो स्पिन जानलो नेक्स्ट लास्ट हला हमरा कोन ना कॉम्प्लेक्स इनर ना आउटर देखो देखो ए जो 3d ता अछि हाइब्रिडाइजेशन 3d को जाय छि जदी 3d को हाइब्रिडाइजेशन जीवो तले सेटा हिबो इनर कारण ए जति कि रहले 3d रहला 4s रहला 4p रहला 4d रहला हाइब्रिडाइजेशन इनर रे के अछि 3d तले इनर को आसी छि माने ताको हम कहबा इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तले एबे पिला माने तमे बुझि पाललो पूरा एबे ए एग्जांपल बुझि पाललो नेक्स्ट आउ गोटे आमे एग्जांपल देखिबा एबे पिला माने आमे नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा जोटा के अछि एफसीएन6 3 माइनस तले जे एफसीएन6 फर्स्ट तमे जेमति प्रीवियस कलो एडा भी सेम करबो फर्स्ट कोन करबो फर्स्ट पॉइंट हला हमरो आयरन रो एटॉमिक नंबर हला 26 तार कॉन्फिगरेशन लिखियो कॉन्फिगरेशन केते हबो आर्गन 18 4s2 3d 6 4 4p 0 4d 0 एडा हला देखो 18 2 20 तो 6 26 बुझि परलो नेक्स्ट कोन करिवो आयरन रो ऑक्सीडेशन नंबर केत हो आयरन रो आयरन हला x cni रहउची -1 केतरा से नै 6 से नै तो -6 इक्वल्स टू -3 तले x केते गेला x हे गेला एटा -6 से पडु गेले +6 तले 3 प्लस 3 गेला तले एठी एफी रवि आसीला केते 3 प्लस आसीला तले हमें पूर्ण कोन करबा एफी 3 प्लस रो कॉन्फिगरेशन लिखबा तले एफी 3 प्लस रो कॉन्फिगरेशन माने 4s रु जीवो दिटा एटु गोटे जीवो गोटे 3d रु गोटे तले कोन हबो आर्गन 18 4s अगर मैं 3d बोले कुछ 3d के थे 4s रुदी था 3d रो गोटे 3d रो वाला पास था 4s 0 4p 0 4d भी 0 बुझी पाल लो समझते हैं नेक्स्ट ऐसा देखो d रो मैं d रो ड्रॉ करूँ ची 1 2 3 4 5 तले पी रो एस रो संति पी रो 3d 4s 4p देखो डी रे कितना इलेक्ट्रॉन पांचटा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5
पांचटा इलेक्ट्रोन दे दियो नेक्स्ट 4s ब्लैक 4p ब्लैक बुझि पाइल नेक्स्ट आसो किए आसुची कॉम्प्लेक्स रे सीएनआई आसला सीएनआई तुम कौन कह रिपीट रो फर्स्ट पॉइंट जत्ते की नंबर ऑफ दा जत्ते कीटा कोऑर्डिनेशन नंबर आइतिबो सत्ते कीटा फ्री प्लेस तक अवेलेबल करियो जेतु सीएनआई आसची पूरी मान रखो ड्यू टू सीएनआई मुले कुची ड्यू टू सीएनआई पेयरिंग टेक्स्ट प्लेस काई की कहला पचारिबनि काई की ना मु तुम कहि सची बीपीटी ओनली अजम्पशन बेस्ड अछि अजम्पशन बेस्ड माने से काई की ता पाखरे भी आंसर नै कोन पई से कहला कारण से नेक्स्ट थ्योरी में जो सेफ्टी पढिबा से तेरा हमकु जाना पड़ेगा जे ई आउची स्ट्रांग फील्ड गन सेति पई ये पेयरिंग करिवो एना ए थ्योरी कितु नै मोर लगो केबे भी लिखिबनि की इट इज ए स्ट्रांग फील्ड गन सो पेयरिंग टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बीबीटी लिखिबो नहीं काई की लिखिबो नहीं ना बीबीटी रा सेटा ही तार गोटे लिमिटेशन की से होची कोन कहि नथिला के स्ट्रांग के वीक बुझि पर तमे खाली जानो की लिखिबो डायरेक्ट लिखिबो ड्यू टू सीएनआई पेयरिंग टेक्स्ट प्लेस के आंसर भूल मारिबे नहीं तले देखो सीएनआई अछि सीएनआई कोन करिवो पेयरिंग करै दबो पेयरिंग करै माने देखो एदि पेयरिंग करिवो माने एफी मु टोटल लिख एटा लिखुनी डायरेक्ट लिखुची वन टू थ्री फोर फाइव और फोर एस फोर पी फोर एस थ्री डी देखो जो तो पेयरिंग करिबो पेयरिंग करे देखो ए जो इलेक्ट्रॉन एटी कसला ए इलेक्ट्रॉन एटी कसिबो ए इलेक्ट्रॉन रही गला अनपेयर रहिबो देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला तले अमोनिया सॉरी सीएनआई केतना अछि 6टा सीएनआई अछि केतना फ्री प्लेस ता दरकार 6टा अवेलेबल स्पेस दरकार देखो 6टा अवेलेबल स्पेस हैला कि 1 2 3 4 5 6 तले बुझि पल्लो देखो एडी के जीवो सीएनआई जीवो सीएनआई गले टोटल कोन हला टोटल सीएनआई गला तले के, के जो सीएनआई जो गला केतेटा प्लेस कुसी केतरा प्लेस रहला देखो डी रो से डी रो दीटा रहला एस रो गोटे पी रो तीनटा तले एबे हाइब्रिडाइजेशन कोन हला डी2 एसपी3 तले हाइब्रिडाइजेशन जानलो जदी डी2 एसपी3 हला तारा ज्योमेट्री कौन हम ज्योमेट्री कौन हम ज्योमेट्री हम ऑक्टाहेड्रल बुझी पार्ला समस्त ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कम नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट जदि मैग्नेटिक मूवमेंट है दरकार कौन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर देयर इज वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन सो द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 तले हमर फार्मूला कोन म्यू इक्वल्स टू एन होल इनटू एन प्लस 2 रो रूट ओवर केता हो एन हला 1 एन होची 1 एन प्लस 2 हला 1 प्लस 2 3 एटा तले केता हला 3 थ्री रूट ओवर बुझी पार्ल समस्ते ताले केता आसला बीएन बुझी पार्ल मैग्नेटिक मूवमेंट केता आसला गोटे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एन वन तापरे वन प्लस टू हला थ्री थ्री इंटू वन थ्री रूट थ्री बुझी पार्ल नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट सरला तापरे मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक बिहेवियर कौन हवा दरकार जदि कॉम्प्लेक्स रे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थिबो तले से कॉम्प्लेक्स कोण होबो पैरामैग्नेटिक जदि कॉम्प्लेक्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन नथिबो तले डायमैग्नेटिक ए कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बुझि पाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक तबे स्पिन मल्टीप्लिसिटी एसएम बस स्पिन मल्टीप्लिसिटी करियो स्पिन मल्टीप्लिसिटी केता होबो 2s + 1 2 के 2 रहला s के
केते एस होची एस देखो केते प्लस हाफ तले एस केते ला हाफ प्लस 1 केते ला 2 बाय 2 देखो 2 इनटू 2 इनटू 2 मतलब 2 बाय 2 है 1 इक्वल्स टू 2 देखो बुझी पाल समझते केमते आसेला 2 देखो कारण एस गोटे अंक इलेक्ट्रॉन सो एस इक्वल्स टू प्लस हाफ प्लस हाफ हो गए प्लस हाफ इंटू टू प्लस हाफ इंटू टू हो गए कैसे टू बाय टू इक्वल्स टू वन वन प्लस वन इक्वल्स टू टू ताले स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन ना लो स्पिन देखो जदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबो कॉम्प्लेक्स टा हाई स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट स्पिन सला नेक्स्ट आउटर ना इनर कॉम्प्लेक्स देखो एथि देखो आउटर जो हाइब्रिडाइजेशन जो है छि आ इनर थ्रीडी क्वार्ट्स सो ए कॉम्प्लेक्स को मु कहि परबी इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बुझी पाले समस्त एग्जांपल समस्त बुझी पाइलो एरे पिला माने हमर नेक्स्ट स्टेप जो छि COF6 रो करबा आर सेम क्वेश्चन सेम जिंस हम करिया पड़बो तले COF6 फर्स्ट कोन कोबाल्ट रो तुमको एटॉमिक नंबर ला 27 तर कॉन्फिगरेशन कोन आसीबो आर्गन 3T7 4S2 एटा आसीबो ता कॉन्फिगरेशन तले एति जो कोबाल्ट अछि केते ऑक्सीडेशन स्टेट रो अछि देखो x a वाला -1 ता -6 इक्वल्स टू -3 तले x हो गला +3 बुझि पाले समस्त x हो गला +3 ताले कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि ताले तारा कॉन्फिगरेशन केते हो कोबाल्ट हो जी 27 ताले एडा हो 24 पे मु कॉन्फिगरेशन लिखि माने आर्गन 3d देखो 4s रु तीनटा जीव माने 4s रु दीटा जीव एतु गट जीव एतु लागला केतटा 6टा 4s रे केतटा 0 4p केतटा 0 4t b 0 बुझि पाले समझते ताले देखो d रे मोर केतटा इलेक्ट्रॉन आइला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बुझ पाल फोर एस फोर पी वन टू थ्री फोर फाइव फोर डी फोर पी फोर एस थ्री डी देखो थ्री टी रे कितना इलेक्ट्रॉन रहा छोटा 4s ब्लैंक 4p ब्लैंक 4d ब्लैंक देखो तापर नेक्स्ट हमर आसीबा किया छे टी फ्लोराइड छ फ्लोरोज जोटा की ये हला तमरा जो सेटी जति समय जो अमोनिया सियनाइड को अंडरटेकर कहिलो आको कहबो राइड उत्तर ये कोन करबो ना आ ये करि परबो ना ये हमर भुवनेश्वर कुमार भैया पूरा पतलाटा ये किछ ते ये कोन करबो ना तैयारिंग करि परबो नाही आपा कापापुर नाही ये कौन करीब ये जो अंडरटेकर आ भुवनेश्वर कुमार को ठिया कर केमती लगे जमती लगे ये भी सही भाया ये कौन करना तैयारिंग करे भुवनेश्वर कुमार मत भिड देखे मत पार्टी कर जो फ्लोराइड रहा ये कौन कर कहली तैयारिंग करयारिंग कर देख जो आम ए कम्प्लेक्स लिखा सीओ एफ सिक्स 3 माइनस रो लिखिले देखो एठी रहला डी 3डी 4s 4p 4d देखो मोर डी रे छोटा इलेक्ट्रॉन रहिची ये तो मु कहिले ये पेयरिंग करि परबो नहीं जदि पेयरिंग न कहि पाइबो मोर तो 6टा ही दरकार अवेलेबल स्पेस 6टा अवेलेबल स्पेस कोठे आसीबो ओबवियसली से बाहर पर दिखु बाहर पर दि रही रहियो काहे कि ना इनर जो 3D रहउची इनर 3D रे ये तो पेयरिंग करि नै बोले ये तो तमको घर ही त बोली रहैबो तमे रहिबो कोठे ओबवियसली तमे घर जदि न देले तमे बाहर को जिवो माने 4D को जिवो बुझि पाललो जदि तमको घर तमे दुष्ट हलो बाबा मा तमको घर कुरै लेले तमे कोन जीव
बाहर मैंने किए आसो सांग आसल फोर डी बुझीपार ताले जो थ्री डी ये रख ये कमी ये आज सेमती ताले जो छटा फ्लोराइड अच्छे ये छटा फ्लोराइड कौन रही है ये गोटे रही गोटे गोटे ये गोटे आ सी दीटा प्लेस नब कहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो छटा किए जीव सी नाइट जीव सी एन जीव बुझीपाल समस्ते सी एन आई तले जो सीए नहीं कौ कौ प्लेस रहा तर हाइब्रिड कौ कौ प्लेस रहा देख देख गोटे एस रहा पी के रहा पी रहा तीन टे के रहा डी रहा टू तेल हाइब्रिडेशन एवं कौन आसला एस पी थ्री डी टू तार ज्योमेट्री कौन हम ज्योमेट्री सेम ऑक्टाड ज्योमेट्री ऑक्टाड आसर मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट पे कौन दरकार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर देख अभी चार्टा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला कौन म्यू इक्वल्स टू ए वन इनटू एन प्लस टू रूट ओवर फोर फोर प्लस फोर देख ताले कितना ही होगा फोर सिक्स सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर रूट ओवर यूनिट बी एम बुझीपाल नेक्स्ट आस मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक बिहेवियर कौन मैग्नेटिक बिहेवियर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थी तेल से पारामिक ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छा ये सर अच्छा ये कौन पारामैग्नेटिक बुझीपाल नेक्स्ट आस स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूला कौन टू एस प्लस वन देख एस के देख के अच्छी अनफेयर इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर ताले मुझे लिखिपारि टू एस हूँ कौन वन बाय टू इंटू फोर प्लस टू एस प्लस वन इक्वल टू के ब्राकेट दे दियो देख ताले के फोर बाय टू फोर बाय टू के फोर बाय टू हूँ देख फोर बाय टू हो गए वन बाय टू सरी टू फोर बाय टू हूँ देख वन बाय टू इंटु फोर दैट इज फोर बाय टू इंटु टू के एट बाय टू टा हूँ फोर फोर प्लस वन दैट इज फाइव बुझीपाल समस्ते देख वन बाय टू चार्टा अच्छी क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन चार्टा तो गोटे रोचे प्लस हाफ चार्टा रहा फोर इंटु होते फोर इंटु वन बाय टू के फोर बाय टू इंटु टू अच्छे केट बै टू मैंने जोटा कि तुम एट बै टू के फोर फोर ये प्लस वन के फाइव तेल स्पीन मल्टीप्लिसिटी बुझ पारा स्पीन स्पीन के देख जदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन थी तेल हाई स्पीन हम देख अनपेयर इलेक्ट्रॉन अच्छा बुझीपार हाई स्पीन तेल कम्प्लेक्स आउटर ना इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स देख ये इनर भितर गोटाए रोच थ्री डी सबूक आउटर रोच ये जो हाइब्रिडाइजेशन सी इनर को आसी इनर को आसीन तेल कम्प्लेक्स कौन हम आउटर कम्प्लेक्स हम आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तले बुझी पाला समस्ते नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये पे हमर नेक्स्ट एग्जांपल देखा NiCl4 टू माइनस तले NiCl4 Ni फर्स्ट तुम काम कौन Ni रो कॉन्फिगरेशन लिखो निकेल रो अंश केते 28 एटॉमिक नंबर तले निकेल रो केते रहइबो आर्गन 18, आर्गन 18, 38, फॉरेस्ट टू फोर पी जीरो बुझीपाल देख एट ट्वेंटी ट्वेंटी गल बुझीपाल देख निकेल नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट केत अच्छे निकेल ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख ये निकेल है एक्स क्लोराइड हूँ माइनस वन दैट इज फोर माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस टू तेल एक्स इक्वल्स टू प्लस टू बुझीपाल समस्ते एक्स होगा प्लस टू तेल निकेल ऑक्सीडेशन स्टेट के प्लस टू है
তাহলে এনআই টু প্লাস নিকেলে টু প্লাস পাই কনফিগারেশন লিখি কেতে হব ফার্স্ট আর্গন 18 দেখ থ্রি ডি রু ফোর এস রু আগ যাব ফোর এস রু দুইটা গলা ফোর এস রু গলা পরে থ্রি ডি রে কেতে রয়েছে আটটা ছিল থ্রি ডি বি সেই একটা ফোর এস জিরো ফোর পি জিরো বুঝিপারল সমস্তে ফোর এস জিরো ফোর পি জিরো বুঝিপারল কাহিঁকি না দেখ তার কনফিগারেশন কোন লা নর্মাল নিকেল র নিকেল রাউন্ড সেট কনফিগারেশন লা থ্রি ডি এইট ফোর এস টু দেখ থ্রি এনআই টু প্লাস মানে এস রু দুইটা ফোর এস রু গলা দুইটাই ইলেকট্রন ফোর এস জিরো থ্রি ডি এইট বুঝিপারল নেক্সট দেখ এইটি যে ডি রে রহিলা কেমতি রয়েছে थ्री डी फोर एस फोर पी देखो डी रे कैसे था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट यहाँ मुझे मानुची कौन सुल हिसाब से कौन फोर एस जीरो फोर पी जीरो बुझीपार समस्ते किए आस क्लोरो ये दिखती से लिगेंड किए जे कौन कर पेयरिंग करेंक लिगेंड तुम कह ये यार कैपेबल ना ये हूँ से भुवनेश्वर कुमार भैया कि जब नेहरा नेहरा को जब बैटिंग कराया दिया से कौन कर बोलर से पड़े थी मैगर कि तुम स्टार थी से कौन कर थर ये भी सही भाया ये कौन करना किसी करना ये जो थी से रही कौन हम ये निकेल क्लोराइड के चारा आम के प्लेस दरकार चार्टा प्लेस दरकार ये तो सेम रे तो किसी करना कौन हम एन आई सी एल फोर टू माइनस र कौन हम ये तो सेमती रहा आठटा सेम रहा फोर एस रे मोर पूरा ज्योमेट्री बढ़िया जो मोर ड्रॉइंग एत भल हुए जदि मु मत कह मैंगो करने को मैंगो करी तले जी आंब न लिखी थी তাহলে লোক মানে দেখি কবে এটা পণস হয়েছে এইভাবে মোর এই লেভেল মানে মোর ড্রয়িংটা তাহলে তোমরা বুঝি বি পারুথ তাহলে দেখ ফোর এস রহিলা ফোর এস ফোর পি থ্রি ডি তাহলে যে কতটা ক্লোর রয়েছে চারটা তাকে চারটা আভেলেবল প্লেস দরকার চারটা আভেলেবল প্লেস আসব কোথ দেখ এইটি আছে গোটে এটি গোটে এটি গোটে এটি গোটে ওয়ান টু থ্রি ফোর এটি সিএল 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 सी चार सी एल पड़ेगा बुझीपाल ते हाइब्रिडाइजेशन कौन है कौ कौटी की गला कौटी कौटी जा गोटे जा कतटा जा को तीन टाइम पी बुझीपाल जदि हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हम ज्योमेट्री कौन हम ज्योमेट्री हम टेट्रा टेट्रा जान तुम्हें তাহলে যদি টেট্রাহাইড্রন হলো তাহলে ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট কত হব আর ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট দেখো হাউ মেনি নাম্বার অফ আনপেয়ার ইলেকট্রন দেখো 1 2 देयर इज 2 নাম্বার অফ 2 আনপেয়ার ইলেকট্রন যদি 2 হলো আনপেয়ার ইলেকট্রন ফর্মুলা কোন মিউ ইকুয়ালস টু n হোল ইনটু n প্লাস 2 এর রুট ওভার 2 তাহলে 2 2 প্লাস 2 कितना है तेरा टू प्लस टू फोर इंटू टू एट बुझी पार तब मैग्नेटिक बिहेवियर गोटे क्वेश्चन में तुम इजिली जब हाइब्रिडाइजेशन बाहर करदे आज सब इजिली कर किसी नहीं खाली देखने जाना पड़े मैग्नेटिक बिहेवियर कौन हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छा पारा पारा मैग्नेटिक सरला स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला कौन 2s plus 1 hey, इजी छुआ का पटे वाला 2s plus 1 2s s कते प्लस अप दीटा तले 2s होची हाफ इनटू 2 प्लस 1 तले कते हैला देखो हाफ इटा हैला 2 by 2 देयर इज 1 2 plus 3 बुझी पालो नेक्स्ट स्पिन हाई स्पिन ना लो स्पिन ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन अछंती कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन जदि हाई स्पिन है आसब आउटर माइनर
कॉम्प्लेक्स आउटर हबा ना इनर ऑर्बिटल देखो जो हाइब्रिडाइजेशन हैछि हाइब्रिडाइजेशन इनर को आछि इनर तो गोटे 3d केवल है ना आ सब ऊपर आ फॉर दी फॉर पी फॉर एस फॉर दी सब आउटर तले कॉम्प्लेक्स कोन हबा आउटर 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 ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तले मैग्नेटिक बिहेवियर सरला मैग्नेटिक मूवमेंट सरला स्पिन मल्टीप्लिसिटी सरला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सरला तले ज्योमेट्री भी सरला बुझी पाला समस्ते एबे नेक्स्ट एग्जांपल अछि NiCN4 2- सही काम Ni का कोन करबा कॉन्फिगरेशन केते हो आर्गन 18 28 आर्गन कॉन्फिगरेशन जो से एटॉमिक नंबर केते हो आर्गन 18 3d 8 4s 2 बुझी पाला तले निकल की कोस ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि निकलला एक्स सेंट्रल जो सीएनआई रहछि -1 केतरा चैप्टर इक्वल टू -2 केते गेला +2 बुझी पाला समझते एनआई ताले निकल को स्टेट रहला +2 स्टेट रे ताले निकलला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रे ताले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहले तार कॉन्फिगरेशन कोन हबो आर्गन 18 3d देखो 4s रु दीटा गला सही 3d 8 तापरे 4s 0 4p 0 बुझि पाला समस्त देखो d रे केतना इलेक्ट्रॉन d रे आठटा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो तले आठटा इलेक्ट्रॉन रहला d रे तले एठे जो जिंसटा अछि जो CRI ये कौन कौन लिखा है बोले बताओ तुम कहली अंडर टेकर भले ये काम करबो बा तुम ये ध्वनि नहीं जा ये होची ध्वनि भले काम करबो ऑल राउंडर ये कौन करो ये पूरा स्ट्रांग ये विकेट पके को दबो नहीं ये कौन करबो ये सॉरी ये पेयर विकेट पके को दबो नहीं ये कौन करे ना पेयरिंग करे दबो ये चाहि बजे मैच तुम जीती जा हमें केने जीती है मैच मैच जीती है बोले हमको रन नबा को पड़िबो किनो नेहरो किला कोनो नेहरो किला स्ट्रांग से कम करला रन नहीं करियो नहीं तो पहले मैच हारि तले ये कोला धोनी धोनी कम करबो ना पेयरिंग में रन नबा को चाहिबो बा पेयरिंग कराई दबो पेयरिंग करेगो माने देखो NiCN 4 2 माइनस केता हो 3d रे 1 2 3 4 5 4s 4p 4s 3d जो डी डी रे दीटा अंतर इलेक्ट्रॉन थिला ई त कोन करियो जो सियनाइड अछि पेयरिंग करै दबो एटिक एटिक प्रोसेस गोटे ब्लैंक पड़ी गेला हमर केतना सियनाइड चारटा सियनाइड तले कोड कोड ई जीवा अवेलेबल प्लेस चारटा दरकार 1 2 3 4 एठी देखो सीएनआई तले कोन नि गला एकर हाइब्रिडाइजेशन केतरा जगह को गला हाइब्रिडाइजेशन कोन हबो हाइब्रिडाइजेशन कोन हला गोटे एस को सॉरी गोटे डी को जाई छी गोटे डी एस गोटे पी दीटा बुझी पल्लो हाइब्रिडाइजेशन डीएसपी 2 ज्योमेट्री कोन डीएसपी 2 हला कोन स्क्वायर प्लानर डीएसपी 2 हला स्क्वायर प्लानर मैग्नेटिक मूवमेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन देयर इज 0 मैग्नेटिक मूवमेंट 0 बुझि पालो स्पिन मैग्नेटिक बिहेवियर कर दियो मैग्नेटिक बिहेवियर कोन हबो मैग्नेटिक बिहेवियर कोन आसीबो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 बा सब जको पेयर इलेक्ट्रॉन अछि तले कंप्लीट मैग्नेटिक बिहेवियर कोन होगा ना डायमैग्नेटिक बुझी पाल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 तले s इक्वल्स टू s केते है 0 तले केते है गला 1 स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन ना लो स्पिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना थी तले कॉम्प्लेक्स लो स्पिन आउटर में इनर कॉम्प्लेक्स
देखो एटी देखो हाइब्रिडाइजेशन कोडी कैसी इनर थ्री डी रे पार्टिसिपेट कर कॉम्प्लेक्स इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बुझी पालो पिला माने ताऊ कहीं दीटा टैक्स सेला गोटे होमवर्क हला तुम दीटा कॉम्प्लेक्स देची आरो तुम जति की जो हाइब्रिडाइजेशन हो तुम कौन कौन करबा आरो जो वेरियस प्रॉपर्टीज अछि प्रॉपर्टीज कौन कौन अछि फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन तापरे ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन आउटर और इनर एति सब प्रॉपर्टीज तुमको क्वेश्चंस रो करबा को पड़े ठीक है पिला माने आज तो बहुत टाइम भी हो गई आरो मते बीपीटी रो वे तो थ्योरी सरलानी आ ओडे क्लास थई परियो नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करबा किछे बीपीटी रो किछे एक्सेप्शन अछ एक्सेप्शन डिस्कस करबा किछे क्वेश्चंस भी डिस्कशन करबा तब लिमिटेशन भी किछे अछि मु ट्राई करबी नेक्स्ट लेक्चर में सारे को ठीक है आज पई एति तो तुम एटा होमवर्क रहले नेक्स्ट क्लास से तुम मते एटा होमवर्क दबो आओ जदि किसी डाउट थी कमेंट रे तुम लिखी पारो ना मत जो फेसबुक आईडी अच्छी मोर इंस्टाग्राम आईडी भी दी से मत पर्सनल मेसेज कर पारे ठीक है पिला माने लेक्चर को शेष करने पूर्व तुमको पुणी सही कथा जदि वीडियो तुमको भल लगता है तो लाइक कर जदि जो मैंने निडी स्टूडेंट रहा है मोर टू मोर सेयर कर जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर आउ प्रीवियस लेक्चर जो मैंने देखी ना मुझे तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तार लिंक भी दे दूँ जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करो और जो पाखे बेल आइकन को भी प्रेस करो।